रोग एडिसन का ये पहला अपडेट है हमारे पोको के X2 डिवाइस के लिए, जो कि लेटेस्ट बीटा पे रन कर रहा है 21.10.20। लेकिन इस बार हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है और रोग एडिसन का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, ये मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा और इस रोग एडिसन से रिलेटेड आपको जो कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन है ना, मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और मैंने ऑलरेडी कस्टम रोम एंड्रॉयड 12 जो कि चेरिश ओएस है, जिसमें पहली बार ह्यूज कस्टमाइजेशन देखने को मिला है, जिसका रिव्यू अपने सेकेंड चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। आपने नहीं चेकआउट किया तो चेक ज़रूर कर लेना। सबसे पहले इस रोम की बात करें तो आपको यहाँ पे नया आइकन पैक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे फोल्डर है, इसका जो बैकग्राउंड है ये आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे एनिमेशन का इफेक्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि क्लॉक के ऊपर होगा और एप्लीकेशन के ऊपर है, जो कि जूम इन और जूम आउट का नज़र आता है। पॉपअप वाला यहाँ पे जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जो कि 90fps तक जाता है और 100 तक यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी वगैरह, कैमरा प्रो पर काम कर रहा है, तो कैमरे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता, चाहे आप सेल्फी यूज करो या फिर बैक वगैरह, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने टेबल पे रख रखा है इसलिए ब्लैक है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आते हैं और इसके रोग एडिशन के अबाउट की बात करें तो 12.5 के लोगों की जगह यहाँ पे आपको यहाँ पे इनका खुद का लोगो देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको इसके मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल एस्पेक्ट्स में एंड्रॉयड 11 और 10 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिखाई देता है। यहाँ पे रेडमी K30 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि चाइना का जो रोम होता है या चाइना का जो फ़ोन है वो K30 है और इंडिया में पोको X2 है, तो मैक्सिमम रोम चाइना के ऊपर बेस्ड ही होते हैं, जिसकी वजह से आपका डिवाइस का नेम चाइना वाला शो करता है, ना कि इंडिया और या ग्लोबल वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे ये दो ऑप्शन है ना कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, यानी बैकग्राउंड जो वॉलपेपर है वो नज़र नहीं आता, तो एक छोटी सी कमी है बट इग्नोर करने वाली कमी है, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सारे सुपर लाइव वॉलपेपर, और यहाँ पे आपको कई सारे फ़ोन के अंदर वॉलपेपर लिखा हुआ मिलता है और कई सारे फ़ोन के अंदर लाइब्रेरी लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है। लॉक स्क्रीन के अंदर इन करते ही आपको मिल जाता है वही सारे नॉर्मल से ऑप्शंस वगैरह, और ग्लांस का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन भी दिया गया है, बट रोग एडिशन की तरफ से डिफरेंट चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कलरफुल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी अगर चेंज कर देता हूँ ऑप्शंस वगैरह ना, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आता है या नहीं आप यहाँ पे खुद देख लो। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज करोगे उसके अनुसार ये चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो MI टर्बो चार्जिंग है ये लिखा हुआ मिलता है, तो इस तरीके से आपको ये वर्किंग देखने को मिल जाएगा। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे डार्क मोड, रेडिंग मोड और यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। साउंड के प्रोफाइल में वही सारे ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, जिसमें कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे सिस्टम के नोटिफिकेशन को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है। बट यहाँ पे बैड न्यूज ये है कि ये जो है हमारे सिस्टम साउंड के साथ कंट्रोल है, यानी ऐड है, तो दोनों एक बार में काम करता है, अगर दोनों अलग अलग काम करता है, सिस्टम साउंड अलग और नोटिफिकेशन साउंड अलग, तो ये थोड़ा बेटर होता, बट दोनों मर्ज है, तो यहाँ पे छोटा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट यहाँ पे कोई बग नहीं है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर में सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिलता है जैसे कि बाकी अदर फोन में आपको नज़र आता है, बट सेटिंग का आप देख पाओगे लुक बिल्कुल ही नया देखने को मिलता है और कई जगह इसके नेम को चेंज किया गया है, जैसे कि होम हमारा है जो लॉन्चर बन चुका है, एडिशनल हमारा है जो मोर बन चुका है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप गूगल डिस्कवर या फिर ऐप वैलेट वगैरह जो है वो आप यूज कर सकते हो और दोनों यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल का ऑप्शन, जो कि हमें ऑफिशियली रोम में दिखाई नहीं देता, और मोर के अंदर आपको देखने को मिलता है मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर्स, जो कि 2GB का यहाँ पे ऐड किया गया है, तो पोको के X2 के अंदर भी फाइनली हमें जो मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर्स यूज करने को मिल गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये मुझे रोम काफ़ी हद तक स्मूथ लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे स्मूथली यहाँ पे स्लाइड हो जाता है। बट अगर फ्री मेमोरी की बात करें तो 6GB है, जिसमें से 3.2 आपको फ्री दिखाई दे रहा होगा और कई सारे टैब भी यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। अगर बैकग्राउंड ऐप की बात करें कि वो मेमोरी में रहता है या नहीं, तो देखते हैं रिलोड होता है या क्या होता है। तो वेदर को मैंने ओपन किया तो भाई ये ओपन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा टाइम लगा है। बाकी मैंने यहाँ पर जो BGMI को तो एग्जिट कर दिया था
और क्या मैंने ओपन किया है जरा चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आते हैं और ये है हमारा प्ले स्टोर जिसका लुक आई थिंक रिफ्रेश हुआ है लेकिन सब कुछ वही है। तो करीब करीब यहाँ पे मेमोरी है जो अच्छे से काम कर रही है, ऐप्स को मेमोरी में रख रहा है, बट यहाँ पे फाइनली टेस्ट मैंने नहीं किया है, बस ओवरऑल आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो ओवरऑल ठीक ठाक आपको बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने जितना भी यूज़ किया मुझे बैटरी ख़राब नहीं लगा। स्पेशल फीचर्स में आपको गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, सेकेंड स्पेस और लाइट मोड वगैरह देखने को मिलेगा। और इसका जो फ्रेम पहले आता था वो फ्रेम आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता है, डायरेक्ट यहाँ पे है जो लुक दिखाई दे रहा है तो मोबाइल फ्रेम गायब है। गैलरी के अंदर इन करते हैं और चेक करते हैं हमारा वीडियो टूल बॉक्स, क्योंकि मैंने वीडियो टूल बॉक्स को इसी के ऊपर अप्लाई कर रखा है, तो आपको यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक में नज़र आता है। उसके बाद अगर हम गेम टर्बो की बात करें तो गेम टर्बो भी आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिलता है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस और यहाँ पे बैलेंस मोड वगैरह जो चेंज कर सकते हो, बाकी इधर चीज़ें भी यहाँ पे एक्टिव कर पाओगे। और वॉइस चेंजर का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि प्रॉपर काम करता है। बाकी यहाँ पे जो ये आपको देखने को मिल रहा है पावर रैंप, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है इसके साथ रोम फ्लैश करते ही, ये आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहो तो इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम में ऐड करके दिया गया है। बाकी आपको नोट्स वगैरह और सिंपल है जो सिस्टम के एप्लीकेशन दिए गए हैं और एक्स्ट्रा ब्लॉट वेयर को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। अगर हम सेफ्टी नेट की बात करें, प्ले स्टोर की बात करें कि हमारा फिक्स है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा डिवाइस सर्टिफाइड रहता है और सेफ्टी नेट पास है, तो आप रूट वगैरह जो करके यूज कर सकते हो। बाकी चीज़ों को जो कि आप मॉडिफाइड करना चाहते हो या विदाउट रूट के भी आप बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे। रही बात यहाँ पे गीकबेंच का, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा आया है जो कि हमेशा 15 के आसपास जाता है, इस बार 16 गया है। तो यहाँ पे सिंगल और मल्टी कोर बाकी रोम से कंपेयर करें तो थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है। और यह है AnTuTu का स्कोर जो कि हरवा की तरह काफ़ी अच्छा है और हीटिंग भी ओवरऑल काफ़ी सही है, 4.2 का है और बैटरी ड्रॉप 5% है जो कि करीब करीब किसी किसी में 2 या 3 होता है, बट यहाँ पे 5 है तो ये भी सही है, कोई खास बिग ड्रेन नहीं है। और यह है नॉर्मल तरीके से CPU टेस्टिंग किया हुआ जो कि 94 का रिजल्ट गया है, जहाँ पे मिनिमम एवरेज और मैक्स आप देख सकते हो। बट जैसे ही मैं इसे गेम टर्बो के अंदर ऐड कर देता हूँ, परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देता हूँ, तब ये डायरेक्टली जो स्विच कर जाता है नो CPU टोटल पे, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे जो इसका गेम टर्बो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और विदाउट गेम टर्बो के भी है जो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी CPU रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे L1 का सपोर्ट भी मुझे देखने को मिला है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया और ये काम कर रहा है, तो आप इनका यूज है जो कर पाओगे। तो यहाँ पे जितना भी रोम की अगर ओवरऑल की बात करें ना, तो रोम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट नए फीचर्स के मामले में कुछ खास ज़्यादा नहीं दिया गया, बस हल्का सा जो टच वगैरह इधर दिया गया है रोग एडिशन का, जैसा कि बाकी अदर में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है वही सारे ओल्ड लुक जो कि आपको एप्स लॉक वगैरह और ड्यूल एप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और इस रोग एडिशन के साथ आपको MIUI 13 का लॉन्चर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इसके वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा इसके ऐप्स के एनिमेशन वगैरह में, जो कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से नोटिस कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ रोग एडिशन की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा आपको वॉलपेपर कलेक्शन देखने को मिलता है जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और ये मेरे फेवरेट कलेक्शन है जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हो या फिर आप अलग से डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। रही बात कि इसका बूट एनिमेशन आपको कैसा देखने को मिलता है, तो चलिए एक बार रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं बूट एनिमेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूट एनिमेशन रोग एडिशन का हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसे स्टिल यूज कर रहे हो तो आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि इस रोम के बारे में क्या है ख्याल आपका, या फिर इस वीडियो के बाद चेकआउट करने वाला है तो चेक करके उसके बाद आप बताना। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें और मेरे सेकेंड चैनल को जरूर आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एवरी डे आपको कस्टम रोम के अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से मैंने अपने नोट 10 प्रो, पोको X2 और यहाँ पे K20 Pro और बाकी सारे डिवाइसेज का भी रिव्यू प्रोवाइड किया है, तो आपको एवरी डे वहाँ पे कस्टम रोम का अपडेट्स देखने को मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।